बहुत समय पहले की बात है, उदयपुर नामक गांव में एक अनाथ लड़की अनामिका एक छोटे से घर में रहा करती थी। कुछ समय पहले ही अनामिका के माता पिता की मृत्यु एक हादसे में हो जाती है और किसी भी रिश्तेदार ने बेचारी को अपना सहारा नहीं दिया। लेकिन यह बात अच्छी थी कि वह सिलाई करना बहुत अच्छी तरह से जानती थी, जिसकी वजह से उसे खाने पीने में कभी कोई कमी नहीं आई और वह एक बुटीक पर नौकरी करती थी और जो भी पैसे कमाती थी उससे अपना पालन पोषण करती थी और अपने आसपास जो उसे परेशान बेसहारा दिखाई देते तो उनकी भी बहुत मदद करती थी। ऐसे ही एक दिन अनामिका अपना लंच बॉक्स लेकर बुटीक पर जा रही थी कि तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिलती है और वह अनामिका से कहती है, अरे बेटा, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए मिल सकता है? मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, बहुत तेज भूख लगी है। अगर कुछ खाने के लिए मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे शरीर से अभी जान निकल जाएगी। जी जी अम्मा जी, मेरे पास मेरा लंच बॉक्स है, उसमें ज्यादा अच्छा खाना तो नहीं है, सिर्फ 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी है। अगर आपका पेट इससे भर जाता है तो यह लीजिए, आप खा लीजिए। मैं शाम को जाकर अपने घर दोबारा से खा लूंगी, लेकिन इस वक्त आपको इस खाने की ज्यादा जरूरत है। ऐसा कहकर अनामिका अपने हिस्से का खाना उस बूढ़ी औरत को देकर बुटीक पर चली जाती है और वहां जाकर खूब मेहनत से काम करती है। बुटीक मालकिन भी अनामिका से बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसकी वजह से ज्यादा कस्टमर आया करते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था। आज अनामिका को सैलरी मिली थी, वह खुश होकर घर जा रही थी कि तभी रास्ते में उसकी पुरानी दोस्त मिलती है और वह अनामिका से कहती है, अरे यार अनामिका, अच्छा हुआ कि तुम मुझे यही रास्ते में मिल गई। मैं तुम्हारे घर ही जा रही थी। तुम्हें पता है कल मेरा बर्थडे है और मैंने अपने बर्थडे पर बहुत बड़ी पार्टी रखी है। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, इसलिए तुम मेरे बर्थडे पर जरूर आना, ठीक है? और हाँ, तुम्हें पता है मैंने अपने बर्थडे पर एक थीम रखी है, सभी को गाउन पहन कर आने हैं, इसलिए तुम भी सुंदर गाउन पहन कर आना। तुम तो इतनी अच्छी सिलाई जानती हो, तुम्हारे पास तो बहुत अच्छे अच्छे गाउन होंगे। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरे पास ज्यादा अच्छे कपड़े नहीं है। तुम्हें तो पता ही है कि मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, अपना पालन पोषण मैं खुद ही करती हूँ और मुझे आसपास के लोगों की भी मदद करनी होती है, इसलिए मैं अपने लिए ज्यादा कुछ खरीद नहीं पाती। लेकिन आज मुझे सैलरी मिली है, मैं अपने लिए एक अच्छा गाउन खरीद लूंगी और तुम्हारे बर्थडे पर पहन कर आऊंगी, ठीक है? ऐसा कहकर अनामिका अपने घर की तरफ जा रही थी कि तभी रास्ते में उसे एक औरत मिलती है अपने बच्चे के साथ, जिसके पैर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था और वह औरत बहुत जोर जोर से रो रही थी, आसपास के लोगों से मदद मांग रही थी। सुनिए ना भाई साहब, मेरे बच्चे को बहुत ज्यादा चोट लगी है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मुझे मेरे बच्चे को डॉक्टर को दिखाना है, कृपया करके मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए ताकि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखा सकूं। उसको बहुत ज्यादा चोट लगी है, देखिए कितना खून निकल रहा है, इस तरह से तो मेरा बच्चा मर जाएगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, कृपया करके मेरी मदद करो, मेरे बच्चे को बचा लो। बहन जी, आप ही मेरी मदद कर दीजिए। चल चल दूर हट, तुम जैसे भिखारियों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, यह कोई तेरा बेटा बेटा नहीं है, भाड़े पे लेकर आई है, हमसे पैसे ऐठना चाहती है। हम तुम जैसे भिखारियों को अच्छी तरह से जानते हैं, तुम्हें यहाँ से कोई मदद नहीं मिलेगी। चल जा, अपने ड्रामे किसी और को दिखाना, देखो तो कैसे ड्रामे करके पैसे मांग रही है भिखारन। इस तरह से कोई भी उस औरत की मदद नहीं कर रहा था, लेकिन अनामिका से यह सब कुछ देखा नहीं गया। वह तुरंत उस औरत के पास जाती है और उसके बच्चे के साथ उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है, उसकी मरहम पट्टी कराती है, दवाई दिलाती है और उसके पास जो भी पैसे होते हैं वह सब उस औरत को दे देती है और कहती है, आंटी जी, छोटू को फल फ्रूट की बहुत ज्यादा जरूरत है, आप उसे समय समय पर फल खिलाती रहना क्योंकि इसे बहुत ज्यादा चोट लगी है और इसका अच्छे से ख्याल रखना। और हाँ, डॉक्टर कह रहे थे कि इसकी पट्टी 2 दिन में चेंज होती रहेगी, इसलिए आप लापरवाही मत करना। मेरे पास सिर्फ यही पैसे थे, मैंने आपको दे दिए, अगर मेरे पास और भी होते तो शायद मैं दे देती, लेकिन अभी नहीं है।
बेटा, सबने मेरे आंसुओं को झूठा समझा, किसी ने मेरी मदद नहीं की, सब मुझे झूठी भिखारन समझ रहे थे, लेकिन तुमने एक बार मुझसे एक सवाल नहीं किया और तुरंत मेरी मदद की बिना किसी सवाल के। तुम बहुत अच्छी हो, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं कि ऊपर वाला तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे बेटा। आंटी जी, बस मुझे इसी आशीर्वाद की जरूरत है, और मैंने आपकी तड़पन देखी थी, आपके बच्चे के लिए एक माँ के आंसू झूठे नहीं हो सकते, इसलिए मैंने आपसे कोई सवाल नहीं किया। आपकी आंखों में सच्चाई साफ साफ दिखाई दे रही थी, बस देखने वालों की जरूरत थी। अच्छा, अब मुझे चलना है। ऐसा कहकर अनामिका उस औरत की मदद करके घर आ जाती है, और जो घर में थोड़ा बहुत राशन होता है उसे बनाती है और खाकर सो जाती है, और अगले दिन दोबारा से बुटीक पर जाती है, और शाम को उसे अपने दोस्त काव्या के बर्थडे पार्टी में भी जाना था, लेकिन उसके पास कोई भी अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं थे। तभी अनामिका सोचती है, अरे मेरे पास तो एक भी जोड़ी कपड़े अच्छे नहीं है, सभी कपड़े बहुत ही ज्यादा फटे पुराने हो चुके हैं। इस बार जो सैलरी मिली थी उससे मैंने कपड़े और सैंडल खरीदने के बारे में सोचा था, लेकिन आंटी की मदद करनी पड़ गई, इस वजह से कुछ खरीद नहीं पाई। काव्या तो कितनी ज्यादा अमीर है, और उसकी दोस्त कितनी ज्यादा अमीर होंगी, कहीं मेरा वहाँ जाकर मजाक न बन जाए। लेकिन मैं काव्या का दिल भी तो नहीं तोड़ सकती, उससे मैंने वादा किया है कि मैं उसके बर्थडे पार्टी में जरूर आऊंगी, उसके लिए क्या गिफ्ट लेकर जाऊं। चलो ऐसे ही चली जाती हूँ। ऐसा सोचकर अनामिका उदास हो जाती है, लेकिन वह अपनी दोस्त काव्या का दिल तोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वह ऐसे ही फटे पुराने कपड़ों में काव्या के बर्थडे पार्टी में चली जाती है, जिसे देखकर काव्या की दोस्त अनामिका का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाती हैं। अरे यार काव्या, तूने किस भिखारण को अपने बर्थडे पर इनवाइट किया है? ओहो, अच्छा ये नौकरानी है, यह बर्तन साफ करेगी और हमारे आगे की झूठन खाएगी। लेकिन नहीं नहीं, ये तो मुझे तेरी गरीब दोस्त अनामिका लग रही है। यार अगर हमें पता होता कि तू ऐसे गरीब लोगों को भी अपनी पार्टी में बुला रही है तो हम कभी नहीं आते, हमारा तो सारा स्टेटस ही डाउन हो गया। इसके कपड़े तो देखो बहन जी, बदबू आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे दो तीन दिन से बदले नहीं हो। सुनो बहन जी, क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई इतनी बड़ी पार्टी में ऐसे कपड़े पहनते हुए? कम से कम आज तो कुछ ढंग के कपड़े पहन कर आ जाती। संजना, इसके सिर्फ कपड़े ही फटे पुराने नहीं है, चप्पल भी देखो टूटी फूटी है, और बेचारी ने मेकअप तो बिल्कुल किया ही नहीं है, लगता है कुछ ज्यादा ही गरीब परिवार से है। काव्या, तूने इतनी गरीब दोस्त क्यों बना रखी है? हमें नहीं पता था, और यह तो तेरे लिए कोई गिफ्ट भी नहीं लेकर आई, हम तो तेरे लिए कितना महंगा गिफ्ट लेकर आए हैं, और तूने कहा था कि अच्छे अच्छे गाउन पहन कर आने हैं, तो हम तो महंगा और ब्रांडेड गाउन पहन कर आए हैं, लेकिन अब हम इसके साथ इस पार्टी में नहीं रहेंगे क्योंकि ये हमारे स्टेटस की नहीं है। अब तो सोच ले कि इस पार्टी में या तो ये गरीब रहेगी या फिर हम, फैसला कर ले कि तू किसे चाहती है। अरे यार अनामिका, यह तुमने क्या कर दिया, मैंने तुमसे कहा भी था कि सभी को सुंदर गाउन पहन कर आने हैं, और तुम भी कह रही थी कि तुम गाउन खरीदोगी, इसलिए मुझे लगा कि तुम गाउन ही पहन कर आओगी, लेकिन तुमने तो मेरी नाक ही कटा दी। अब देखो तुम्हारी वजह से मेरी कितनी इंसल्ट हो रही है, यह सभी मेरी बहुत अच्छी और अमीर दोस्त हैं, मैं इन्हें तो नहीं छोड़ सकती, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन तुम इस पार्टी से चले जाओ तो अच्छा रहेगा, तुम्हारी वजह से मेरी मम्मी पापा का भी स्टेटस डाउन हो जाएगा, तुम्हारे जैसे तो हमारे यहाँ के नौकर भी नहीं है, इसलिए बुरा मत मानना, ठीक है, जाओ यहाँ से। ठीक है काव्या, मैं तुम्हारी इस आलीशान पार्टी को छोड़कर चली जाती हूँ, लेकिन मैं तो यहाँ तुम्हारा दिल रखने के लिए आई थी कि तुम्हें बुरा ना लगे कि तुमने मुझे इनवाइट किया और मैं तुम्हारे बर्थडे पार्टी में आई भी ना। लेकिन काव्या एक बात हमेशा याद रखना, दोस्ती कभी भी स्टेटस देखकर नहीं की जाती, दोस्ती के लिए सिर्फ प्यार और विश्वास ही काफी होता है, लेकिन शायद तुम अमीर लड़कियाँ इस बात को नहीं समझोगी। ऐसा कहकर अनामिका काव्या की बर्थडे पार्टी छोड़कर आ जाती है, लेकिन उसे इस बात का बहुत ज्यादा दुख होता है, और वह एक पेड़ के नीचे बैठकर बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती है।
पूरे गांव में मेरी सिर्फ एक ही तो अच्छी दोस्त थी काव्या, आज उससे भी मेरी दोस्ती टूट गई। माँ पिताजी तो पहले ही छोड़ के चले गए और मेरे गरीब होने की वजह से कोई मुझसे दोस्ती करता ही नहीं था, एक पुरानी दोस्त काव्या ही थी। और आज उसने मुझे मेरी औकात दिखा दी, उसने मुझ में और अपनी उन अमीर घमंडी दोस्तों के बीच अपनी अमीर दोस्तों को चुना, मुझे गरीब को छोड़ दिया। गरीब होना भी एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है, अगर तुम अमीर हो तो सब लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं, तुम्हें सम्मान देते हैं, और अगर तुम गरीब हो तो तुम्हें गाली देते हैं, तुम्हारे पास बैठना पसंद नहीं करते। हे ऊपर वाले, यह तेरा कैसा फैसला है? ऐसा सोचकर अनामिका बहुत रो रही थी कि तभी वहाँ पर 4-5 आदमी आते हैं और उनके हाथ में कुल्हाड़ी थी। जिस पेड़ के नीचे बैठकर अनामिका रो रही थी, वह उसी पेड़ को काटना चाहते थे। तभी अनामिका उनसे कहती है, नहीं नहीं, मैं आपको इस पेड़ को नहीं काटने दूंगी, आप इसे मत काटिए। देखिए ना, यह कितना हरा भरा पेड़ है, इसकी ठंडी हवा और छाया दूसरों को आराम देती है, प्लीज आप इसे मत काटिए। देखिए, वो रहा सामने सूखा पेड़, आप उसे काट लीजिए, लेकिन इसे मत काटिए। वह अनामिका की एक नहीं सुनते और उसे धमकाकर वहां से भगा देते हैं, लेकिन अनामिका भी हार नहीं मानती, वह वहां से तो चली जाती है लेकिन अपने साथ मिर्ची लेकर आती है और पेड़ काटने से पहले पहले उन सभी की आंखों में डाल देती है और डंडे से उनकी बहुत ज्यादा पिटाई करती है। वह सभी लोग वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं और अनामिका उस पेड़ को गले लगाकर उसे सुकून की सांस आती है। तभी उस पेड़ से आवाज आती है, अनामिका तुम कितनी अच्छी हो, तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई, तुम जैसे लोग इस दुनिया में कम ही होते हैं जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया जब तुमने मुझे गले लगाया, तुम एक अच्छे दिल की मालकिन हो, तुम एक समय का खाना खाती हो और दूसरे समय का खाना दूसरों की मदद करने के लिए रखती हो और अपने लिए अच्छे कपड़े भी नहीं खरीदती, उन पैसों से गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करती हो, तुम जैसे लोग सच में दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। यहाँ से कुछ दूर चलने के बाद तुम्हें एक गुफा मिलेगी, उस गुफा में एक बहुत ही ज्यादा सुंदर जादुई गाउन है, उसे पहन लेना, उसके बाद तुम उसका जादू देखना। मैं अपनी लाइफ में पहली बार किसी पेड़ को इस तरह से बात करते हुए देख रही हूँ, आज से हम दोनों दोस्त हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जादुई गाउन के बारे में बताने के लिए, जिसकी मदद से मैं अपने साथ साथ औरों की भी बहुत बहुत मदद करूंगी। ऐसा कहकर अनामिका उस गुफा तक पहुंच जाती है और वहां जाकर उसे जादुई गाउन मिल जाता है, जिसे पहनकर अनामिका पहले से भी ज्यादा सुंदर हो जाती है और उसके सामने बहुत सारे सोने के सिक्के, बहुत सारा पैसा, हीरे जवाहरात आ जाते हैं। यह देखकर अनामिका और भी ज्यादा खुश होती है और वह अपने घर आ जाती है तो उसका छोटा सा घर एक महल जैसे घर में बदल जाता है। अनामिका अपने उस महल जैसे घर के अंदर चली जाती है और पेट भरकर स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खाती है और अपने साथ साथ गरीब परेशान और अनाथ लोगों की भी बहुत मदद करती है, जिस वजह से अनामिका का पूरे गांव में बहुत ज्यादा नाम होता है और रोज शाम को उसके घर के सामने भीड़ लग जाती और वह उन्हें खाने पीने का, पहनने का, सोना पैसा सब देती है। ऐसे ही एक दिन काव्या अपने दोस्तों के साथ जा रही थी कि तभी वह अनामिका का घर देखती है, जिसे देखकर वह चौंक जाती है और अपने दोस्तों से कहती है, अरे यार, यह महल जैसा घर किसका है? आज से पहले तो मैंने इस गांव में इतना सुंदर घर नहीं देखा और इस घर के सामने तो देखो कितनी ज्यादा भीड़ लगी है, ऐसा लग रहा है जैसे इसके पापा कोई राजा महाराजा हो, कैसे सबको सोना पैसा कपड़े बांट रही है। काव्या, तेरी भी आंखें खराब ही हैं क्या? ये वही है तेरी गरीब दोस्त अनामिका, ऐसे ही रोज गरीबों की मदद करती है, खुद इतनी गरीब थी, पता नहीं इतनी जल्दी इतनी ज्यादा अमीर कैसे हो गई, मेरा तो दिल जलता है इसे देख देख कर, तुम्हें नहीं पता इसका बहुत नाम हो रहा है, लोग तारीफ करते करते नहीं थकते, अगर मेरे पास इतनी सारी धन दौलत होती मैं तो कभी किसी की मदद ना करती, ये तो कितनी मदद कर रही है। यह सब सुनकर तो अब मेरा भी दिल जलने लगा, वह अनामिका गरीब जिसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे आज दूसरों को दान कर रही है। सुजाता, हमें पता करना होगा आखिर इस गरीब के पास ऐसी क्या चीज है जो इतनी जल्दी अमीर हो गई।
ऐसा सोचकर काव्या और उसकी दोस्त अनामिका के घर पर नजर रखती हैं, तो उन्हें पता चल जाता है कि जंगल के पास एक गुफा है जहाँ पर जादुई गाउन है जिसके जादू से यह इतनी जल्दी इतनी ज्यादा अमीर हो गई। देखा काव्या, जादुई गाउन के जादू से यह गरीब इतनी जल्दी अमीर होगी। चल हम उस गुफा के अंदर चलते हैं और वहाँ से जादुई गाउन लेकर आते हैं, फिर हम तो और भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास तो पहले ही इतनी ज्यादा धन दौलत है। अरे सुजाता, तू भी पागल की पागल ही है, हम उस गुफा में क्यों जाएंगे, क्यों ना हम इस गरीब का ही जादुई गाउन चुरा लें और इसे धन दौलत लेकर और भी ज्यादा अमीर हो जाएं, फिर ये पहले की तरह गरीब हो जाएगी। ऐसा कहकर काव्या और सुजाता एक दिन अनामिका के घर जाती हैं और मौका देकर वह जादुई गाउन चुरा कर लेकर आ जाती हैं और घर लाकर उसे कहती हैं, जादुई गाउन के जादू जल्दी से अपना जादू दिखा और हमें बहुत सारी धन दौलत दे, हीरे सोना पैसा जवेरात बहुत सारी धन दौलत, और तो उस गरीब अनामिका के पास से सारी धन दौलत छीन ले ताकि वह दोबारा से गरीब हो जाए और हम बहुत 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 ज्यादा अमीर। काव्या सुजाता ऐसा कहती ही हैं कि तभी उसके अंदर से बहुत सारे सांप और बिच्छू निकलकर आते हैं जो दोनों को तुरंत ही डस लेते हैं और तुरंत ही दोनों की मृत्यु हो जाती है और इस तरह दोनों को उनके लालच और बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ वह जादुई गाउन अनामिका के पास पहुँच जाता है जिसकी धन दौलत से अनामिका अपने साथ साथ गरीब परेशान लोगों की भी बहुत ज्यादा मदद करती है और खुद भी एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। बहुत समय पहले की बात है, उदयपुर नामक गांव में आरोही अपने मामा मामी के साथ रहा करती थी, क्योंकि कुछ समय पहले आरोही के माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी जिसकी वजह से आरोही अपने मामा मामी के घर रहा करती थी। आरोही की मामी सुरेखा आरोही को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, उसे बिल्कुल अपने घर की नौकरानी बनाकर रखती, उससे घर का सारा काम कराती। एक दिन आरोही का जन्मदिन था, आरोही बहुत खुशी खुशी अपनी मामी के पास आती है और सुरेखा से कहती है, मामी जी आज मेरा जन्मदिन है, आपको पता है मेरा जन्मदिन माता पिताजी बहुत धूमधाम से मनाते थे, पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाते थे और मुझे एक नई ड्रेस भी दिलाते थे। मामी जी मेरे कपड़े बहुत पुराने हो गए और फट भी चुके हैं, आज मेरे जन्मदिन के दिन मुझे एक नई ड्रेस दिला दो। अगर आज तेरा जन्मदिन है तो मैं क्या करूं? और मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं हैं जो मैं तुझे नई ड्रेस दिलाऊं और तेरा जन्मदिन की पार्टी करूं। तुझे मैंने अपने घर में रखा है वही बड़ी बात है, अब क्या यहीं खड़ी रहेगी? घर में कितना काम पड़ा है, घर की सफाई होनी है, गंदे कपड़े धुलने हैं, महारानी को बस अपने जन्मदिन की पार्टी करनी है, कोई जन्मदिन की पार्टी वार्टी नहीं होगी, चल काम कर। ठीक है मामी जी। ऐसा कहकर आरोही उदास मन से आ जाती है और अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़ी होकर बहुत रोती है। माँ आप जब जिंदा थी तो मेरा जन्मदिन कितने धूमधाम से मनाया जाता था और आज देखिए माँ मैं अपने जन्मदिन वाले दिन घर का सारा काम कर रही हूँ, बर्तन साफ करने से लेकर कपड़े धोने तक, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है माँ? काश उस कार एक्सीडेंट में मैं भी आपके लोगों के साथ होती तो मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, मैं आप लोगों के साथ स्वर्ग में होती। माँ पिताजी आप लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए, आप लोगों को नहीं जाना चाहिए था, अगर आज आप दोनों जिंदा होते तो मेरा जन्मदिन कितने धूमधाम से मनाते और मुझे न्यू ड्रेस भी दिलाते माँ। ऐसा कहकर आरोही बहुत जोर जोर से रो रही थी, तभी आरोही को अपनी स्वर्गवासी माँ की तस्वीर से आवाज आती है, नहीं आरोही बेटा ऐसे नहीं रोते, मुझे पता है सुरेखा तुम्हारे ऊपर कितना अत्याचार करती है, तुमसे घर का सारा काम कराती है, खुद महारानी की तरह घर में आराम करती है, और आज तुम्हारा जन्मदिन है तो तुम्हें एक नई ड्रेस भी नहीं दिला रही, उसके सीने में दिल नहीं है। मगर मेरी बच्ची तू परेशान मत हो, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तुझे नई ड्रेस चाहिए ना, तेरी माँ तुझे देगी, मैं तुझे एक जादुई नई ड्रेस देती हूँ। अरे वाह माँ आप तो बहुत अच्छी हैं, आप मेरे साथ नहीं हो फिर भी आप मेरे जन्मदिन पर मुझे जादुई ड्रेस दे रही हैं,
आप तो वाकई में बहुत अच्छी हैं माँ। हाँ बेटा, माँ की खुशी उसके बच्चों में ही होती है, और तू उदास है तो मुझसे कैसे देखा जाता। शाम को उस जादुई ड्रेस को पहनना, उसके बाद तू देखना क्या होता है। आरोही अपनी माँ की बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है। आरोही खुशी खुशी पूरे घर का काम करती है जो सुरेखा उसे करने के लिए कहती है, और शाम हो जाने के बाद अपनी माँ की दी हुई जादुई ड्रेस को देखती है। अरे वाह, ये जादुई ड्रेस तो कितनी सुंदर है, मैं इसे जल्दी से पहन लेती हूँ। ऐसा कहकर आरोही उस जादुई ड्रेस को पहन लेती है। जैसे ही आरोही उस जादुई ड्रेस को पहनती है तो आरोही पहले से भी ज्यादा सुंदर लगने लगती है, जिसे देखकर आरोही बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी आरोही देखती है तो उसके सामने एक बर्थडे केक भी होता है। केक को देखकर आरोही और भी ज्यादा खुश हो जाती है। अकेले ही अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करती है और आरोही बहुत ज्यादा खुश थी। सुबह हो जाने के बाद सुरेखा आरोही को अपने पास बुलाती है। क्यों री नौकरानी, मैंने तो तेरा जन्मदिन मनाया भी नहीं, फिर तू इतनी खुश कैसे है? कुछ नहीं मामी जी, बस यूं ही। आज मेरी बेटी हॉस्टल से अदिति आ रही है, उसके रूम की अच्छे से सफाई कर देना, उसे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और हाँ उसे समय पर खाना खाने की आदत है। मेरी बेटी को जरा भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वरना मार मार के तेरा मुंह सुजा दूंगी अगर मेरी बेटी को तेरी वजह से कोई भी दिक्कत हुई तो। आई बात समझ में? मामी जी आप चिंता ना करें, मैं दीदी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी, उन्हें यहाँ कुछ भी परेशानी नहीं होने दूंगी। ऐसा कहकर आरोही रूम की सफाई करने चली जाती है। तभी आरोही को एक आवाज आती है, वह आवाज कहीं और से नहीं बल्कि आरोही की जादुई ड्रेस से आ रही थी, जिसे आरोही ने उतार कर रख दिया था। आरोही तुम कहाँ जा रही हो, तुम इस जादुई ड्रेस को पहन लो, उसके बाद तुम्हें कुछ भी काम करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह जादुई ड्रेस है, इसकी मदद से तुम कुछ भी काम नहीं करोगी, सब काम यह जादुई ड्रेस करेगी। आरोही जादुई ड्रेस की बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे पहन लेती है। जैसा जादुई ड्रेस ने कहा था बिल्कुल वैसा ही होता है। आरोही को कुछ भी काम करना नहीं पड़ता, सिर्फ एक बार कहना पड़ता और वह काम तुरंत हो जाता। जादुई ड्रेस की मदद से आरोही सुकून की सांसें ले रही थी, लेकिन आरोही वह जादुई ड्रेस पहनकर सुरेखा के सामने नहीं जाती। अगर वह सुरेखा के सामने जाती तो सुरेखा उससे जादुई ड्रेस के बारे में पूछती, इसलिए आरोही छुप छुप कर ही उस जादुई ड्रेस को पहनकर काम करती। कुछ समय बाद सुरेखा की बेटी अदिति हॉस्टल से आ जाती है। मेरी बच्ची तू तो कितनी दुबली हो गई, कुछ खाती नहीं है क्या हॉस्टल में? अब मैं तुझे हॉस्टल में पढ़ने के लिए नहीं भेजूंगी, तू मेरे पास रहेगी। देखो तो बिल्कुल अपने ऊपर ध्यान नहीं देती, सूख कर कांटा हो गई कांटा। नहीं मम्मी जी, सूख कर कांटा नहीं हुई, बस डाइट करती हूँ जिसकी वजह से मैं आपको ऐसी लग रही हूँ, मुझे ऐसा दिखना अच्छा लगता है। मम्मी जी आपने नई नौकरानी रख ली है क्या? हाँ बेटा ऐसा ही समझो, ये घर की नई नौकरानी है, तुझे जो भी काम कराना हो इस नौकरानी से करा लेना, आधे रात को भी अगर तुझे किसी काम की जरूरत हो तो इस नौकरानी को बुला लेना, ठीक है मेरी बच्ची? ठीक है मम्मी जी, अब मुझे आराम करना है। ए नौकरानी मेरे रूम में एक हेल्दी जूस लेकर आ। हेल्दी जूस के बारे में तो जानती होगी ना, वेजिटेबल से बना होना चाहिए, ठीक है नौकरानी? ठीक है दीदी, मैं आपके लिए वेजिटेबल जूस बना दूंगी, आप चिंता ना करें। ओह हेलो, मुझे दीदी कहने की जरूरत नहीं है, मैम साहब बोलो, माँ ने तुझे अपने सर पर चढ़ा रखा होगा, मैं नौकरों को अपने सर पर नहीं चढ़ाती, उनसे प्यार से थोड़ी बात क्या कर लो, खुद को घर का मालिक समझने लगते हैं। नौकरानी है नौकरानी बन के रहे। बेचारी आरोही पहले ही सुरेखा के अत्याचार से परेशान थी, अब उसे परेशान करने के लिए अदिति भी आ गई। लेकिन आरोही को इस बात की चिंता नहीं थी कि उसे काम करने में कोई परेशानी होगी, क्योंकि जादुई ड्रेस की मदद से आरोही सभी काम तुरंत कर देती, जिसकी वजह से आरोही पिटाई से बची रहती। एक दिन अदिति सुरेखा से कहती, मम्मी जी आपने इस नौकरानी पर ध्यान दिया है, हम इस नौकरानी को कितना काम करने के लिए देते हैं,
कोई रोबोट भी इतना काम ना करे। लेकिन ये नौकरानी पता नहीं इसके पास ऐसी क्या चीज है जो तुरंत हर काम कर देती है, किसी काम को मना ही नहीं करती। आपको पता लगाना चाहिए। हाँ हाँ मेरी बच्ची, ये बात तो मैं भी नोटिस कर रही हूँ। पहले तो एक काम को ये पूरे दिन में खत्म करती थी, जिसकी वजह से मुझसे बहुत पिटाई खाती थी। अब तो पिटाई खाने का काम ही नहीं कर रही। अब तो कोई भी काम बड़े से बड़ा क्यों ना बता दो, चाहे पूरे गांव का काम करा लो, तुरंत कर देगी। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरी बच्ची पता लगाना पड़ेगा आखिर कहाँ है गड़बड़। ऐसा कहकर सुरेखा और अदिति यह पता लगाने के लिए आरोही इतनी जल्दी काम कैसे कर देती है, दोनों जासूस बन जाती हैं। और एक दिन आरोही जादुई ड्रेस पहनकर कह रही थी, ए जादुई ड्रेस, तुरंत घर की सफाई हो जाए। आरोही के इतना कहते ही घर पूरी तरह चमक जाता है रोज की तरह। अदिति और सुरेखा को पता चल जाता है कि आरोही के पास जादुई ड्रेस है। देखा मम्मी जी, मैंने आपसे कहा था ना, इस नौकरानी के पास कोई ऐसी चीज है जिसकी मदद से ये घर का सारा काम कर रही है। अब आपने देखा, इसके पास जादुई ड्रेस है। मम्मी जी, ये जादुई ड्रेस कितनी सुंदर है, ये मुझे चाहिए। हम इस जादुई ड्रेस से बहुत अमीर हो सकते हैं, क्योंकि इससे जो भी कहो वो तुरंत हो जाता है। हम इस जादुई ड्रेस से हीरे और सोने मांगेंगे, ठीक है मम्मी जी? हाँ दीति बेटा, तू कह तो बिल्कुल ठीक रही है। मैं अभी इस नौकरानी के पास जाती हूँ और इसे जादुई ड्रेस छीन कर लाती हूँ, तो रुक। ऐसा कहकर सुरेखा आरोही के पास जाती है और उससे जादुई ड्रेस मांगती है। क्यों करमजली, जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। हमने तुझे अपने घर में रखा और हमसे ही तूने इतनी बड़ी बात छुपाई। तेरे पास जादुई ड्रेस है और तूने हमें बताया भी नहीं। चल जल्दी से जादुई ड्रेस मुझे दे, मुझे मेरी बेटी को देनी है। नहीं नहीं मामी जी, ये जादुई ड्रेस मैं आपको नहीं दे सकती, क्योंकि जादुई ड्रेस मेरी स्वर्गवासी माँ ने मुझे दी है, उनका आशीर्वाद है। मैं जादुई ड्रेस आपको नहीं दे सकती, चाहे आप मुझे कितना भी मार लो। आरोही वह जादुई ड्रेस देना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अदिति और सुरेखा दोनों मिलकर आरोही से वह जादुई ड्रेस छीन लेती हैं। ले मेरी बच्ची जादुई ड्रेस, इसे पहनकर तू इस जादुई ड्रेस से हीरे सोने और बहुत सारे पैसे मांग। उसके बाद हम बहुत अमीर हो जाएंगे, फिर हम इस करमजली को अपने घर से बाहर निकाल सकेंगे। अब मैं इस करमजली को एक और दिन अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा कहकर सुरेखा अदिति को वह जादुई ड्रेस दे देती है। जैसे ही अदिति वह जादुई ड्रेस पहनती है तो वहाँ पर बहुत सारे सांप आ जाते हैं और अदिति को डस लेते हैं। अदिति की तुरंत ही मृत्यु हो जाती है, जिसे देखकर सुरेखा बहुत जोर जोर से रोने लग जाती है। नहीं नहीं मेरी बच्ची, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। इस जादुई ड्रेस की वजह से मेरी बेटी की जान चली गई। मेरी बच्ची अपनी आंखें खोल, तेरी माँ तेरे बिना कैसे जिएगी। मेरी बच्ची अपनी आंखें खोल। ऐसा कहकर सुरेखा रो रही थी, तभी जादुई ड्रेस से आवाज आती है, सुरेखा तुमने बेचारी आरोही के ऊपर कितना अत्याचार किया, और जब आरोही की स्वर्गवासी माँ ने उसे जादुई ड्रेस दी तो तुमने उससे वह भी छीन ली। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल गई, तुम इसी के काबिल थी। जादुई ड्रेस, मैं नहीं चाहती कि मामी जी को इतनी बड़ी सजा मिले। कृपया करके अदिति दीदी को जिंदा कर दो। वो जैसी भी है तो मेरी मामी ही। उन्होंने मेरे ऊपर बहुत अत्याचार किया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि उन्हें इतनी बड़ी सजा मिले। आरोही तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तुम्हारी मामी ने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, फिर भी तुम चाहती हो कि मैं अदिति को जिंदा कर दूं। ठीक है, मैं अदिति को जिंदा कर देती हूँ। जादुई ड्रेस आरोही के कहने पर अदिति को बिल्कुल ठीक कर देती है, जिसे देखकर सुरेखा बहुत ही ज्यादा खुश होती है और आरोही से माफी भी मांगती है। आरोही मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे ऊपर कितना अत्याचार किया। तेरे जन्मदिन पर तुझसे पूरे दिन काम कराया और तुझे एक नई ड्रेस भी नहीं दिलाई। तू चाहती तो मेरी बेटी को मरने देती, लेकिन आरोही तेरा दिल बहुत बड़ा है, तूने मुझे और मेरी बेटी को माफ कर दिया। आज से मेरी एक बेटी नहीं, मेरी दो दो बेटियां हैं, आरोही और अदिति।
आरोही सुरेखा की बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है और अब आरोही अपनी मामी और अदिति के साथ बहुत खुशी खुशी अपना जीवन बिताती है।